हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। तो जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया था इस चैप्टर को, जिसमें हमने परमवीर चक्र विजेता जो मेजर पीरू सिंह हैं, इसके अलावा जो मेजर शैतान सिंह थे, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और फिर हमने जो है महावीर चक्र विजेता जो है राजस्थान के, तो उनके बारे में स्टार्ट कर दिया था। सूबेदार चूनाराम फागड़िया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 1948 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जो है लड़ते हुए जो है वो मारे गए थे और उन्हें महावीर चक्र जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। शहीद सैनिक ढोकल सिंह के बारे में पढ़ा था, वो भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय जो है इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था उनके मरने के उपरांत। रघुवीर सिंह राजावत जो कि बहुत अधिक उम्र के जो हैं, हमने जो है तस्वीर में भी देखा था, बहुत अधिक उम्र के थे, ठीक है। और राष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया था। कर्नल उदय सिंह भाटी के बारे में पढ़ा था, 1971 की जो भारत पाकिस्तान लड़ाई होती है तो उसमें उनको महावीर चक्र मिला, ठीक है। कर्नल हरदूत सिंह, उनको भी भारत पाकिस्तान की जो 1971 की लड़ाई हुई तो वहाँ पर उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। कर्नल सवाई जो भवानी सिंह थे उनके बारे में पढ़ा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जिनको महावीर चक्र मिला तो ये भी जो है 1971 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उसके दौरान ही इनको महावीर चक्र जो है नवाजा गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्रुप कैप्टन चंतन सिंह। अब ये जो है वो आपको याद कैसे होंगे, क्योंकि सभी के दिमाग में ये आता है कि हमें ये याद कैसे होंगे। अब देखिए, आप कितनी सारी जो है वो आप मूवीज़ देखते हो, ठीक है। मूवीज़ में हीरो हीरोइन जो है वो अलग अलग होते हैं, बिल्कुल मानते हैं आप लोग, तो आपको ये भी याद रहता है इस मूवी का नाम क्या है और इसमें हीरोइन कौन सी है, इसमें हीरो कौन सा है। क्यों याद रहता है? क्योंकि उसको आप बहुत चाव से, बहुत मन से आप लोग देखते हो और जो अच्छी लग जाती है उन मूवीज़ को आप बार बार देखते हो। तो यही चीज़ आपको यहाँ फॉलो करनी है, ठीक है। चैप्टर को आप बार बार पढ़िए, ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल अपनी सी लगने लगेंगी और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे, तो ये वायुसेना में थे। 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। उन्होंने करीब 3,000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में ये लैंडिंग करानी थी। 7-8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया। उनकी साहसिक सफलता के लिए 1972 में उन्हें महावीर चक्र दिया गया, ठीक है। तो ये अधिकारी जो है वो किसमें थे? वायुसेना में थे। नायक सुगन सिंह, नायक सुगन सिंह जो है वो नागौर जिले के निवासी थे। 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय 7 राजपुताना राइफल्स में ये त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 को उन्हें उनके दल के साथ मायना माटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला, जहां वे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नायक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। तो इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी, फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मनों को मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया घायल होते हुए भी। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को भी नष्ट करके 3 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस हमले में वे स्वयं भी शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो देखिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए भी, कि घायल होने के बाद भी पीछे नहीं हटे और आगे सैनिकों को मार गिराया। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल, नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ। उनके पिता शिवदान जी स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोलियां लगी।
पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र भी सेना में भर्ती हो गए। वे दो राजपुताना राइफल्स में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया, जो सबसे अधिक मुश्किल कार्य था। दिगेंद्र इसके लिए 6 किलो बजनी रूसी रस्सा और ऐसी कीलें जो चट्टानों में घुस सकती थी साथ में ली और अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 की शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर बढ़े। ठीक है, तो इनको ये जो है लक्ष्य दिया गया था कि तोलोलिंग की चोटी पर जो कब्जा करना है। कीलें चट्टानों में ठोकते गए और उन पर जो है रस्सा बांधते गए और आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रम साध्य सफर के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 को दोपहर में पहुंचे और पाकिस्तानी सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ घात लगाए बैठा था। दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छू गया, जो बम बरसाने के कारण गर्म हो रहा था। दिगेंद्र ने उसका मुंह बंकर की ओर कर दिया और इससे एक और बंकर नष्ट हो गया। तो आपको बॉर्डर मूवी जो है वो बिल्कुल याद आ रही होगी। दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे। इधर से दिगेंद्र और उनके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले से दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई और उनके साथी एक एक कर मारे गए, किंतु दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और 11 बंकर और 19 हथगोले फेंके। दुश्मन के मेजर अनवर को मार गिराया और 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी, जो उनको लक्ष्य दिया गया था, वहां पर सुबह 4 बजे जो है उन्होंने तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1999 को उन्हें महावीर चक्र से अलंकृत किया। तो हमने महावीर चक्र विजेता पढ़े, अब हम राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी जो है वो देखेंगे। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य उच्च शौर्य अलंकरण है अशोक चक्र। यह शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। ठीक है, तो क्यों दिया जाता है ये? शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए ये पदक मिलता है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिक को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, ठीक है, सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट पी एन दत्त को 1998 में, ममडोला डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौर को, सूबेदार सुरेश चंद यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, पंजाब में वीरतापूर्वक बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया। तो अब तक भारत में जो है 83 लोगों को जो है अशोक चक्र मिल चुका है। राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी। तो इसके अलावा भी जो मेडल दिए गए, जिसमें कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक प्रमुख वीरता चक्र है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिक और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। उनमें राजस्थान के चूरू जिले के लखौ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौर, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौर, राणे राव जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौर 1972 में, कांकड़वा मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत को 1995 में, चित्तौड़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह को, गांव धानी दौलत सिंह को, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को दिया गया। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त तो शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ। 27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान होने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉम्स को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। ठीक है, तो एक बार और पढ़ेंगे इसको।
तो यहाँ पर राजस्थान में देखिए चूरू जिले के लखौ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौर, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास और जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौर, राणे राव, जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौर, ठीक है, 1972 में कंकड़वा से, मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत, 1995 में चित्तौड़ जिले के ब्रिगेडियर महावीर सिंह, गांव धानी के दौलत सिंह, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत, ये इनको जो है कीर्ति चक्र जो है इनकी वीरता के लिए दिया गया। इसके साथ ही कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र मिला, ठीक है। मेजर जेम्स थॉमस को 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में दो आतंकवादियों को मार गिराया था। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जांबाज जो हैं कौन कौन हैं, देखिए नाम है यहाँ पर, ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौर, ठीक है, बीकानेर 1964 में, कैप्टन नरपत सिंह राठौर जोधपुर 1970 में, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974 में, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983 में, जमादार छोटू सिंह 1983 में, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992 में, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995 में, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998 में, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बोर्डक पत्थाना सीकर 2002 में, नायक गोकुल सिंह 2002 में, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007 में, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012 में। तो इस पैराग्राफ में जो है वो आप बस ये याद रखिएगा कि इनको जो है क्या मिला, शौर्य चक्र मिला, ठीक है। तो इनके नाम आप ध्यान में रखेंगे। वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है और यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जांबाज अंगांकृत हैं। वीर चक्र देखिए पूरन सिंह को, मेजर पूरन सिंह बीकानेर 1966, मोहम्मद आयुब खां अमीर खानी को, कर्नल मेघ सिंह राठौर को, ठीक है, लांस नायक भंवर सिंह राठौर, रफीन खान, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह, ग्रेनेडियर मुराद खां, नायक हवलदार सरदार खान गोराड, मेजर महमूद हसन खां, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़, नायब रिसलदार नूर मोहम्मद खां अलफगानी, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल, कैप्टन नवल सिंह राजावत, ब्रिगेडियर हमीर सिंह, 8वीं जाट रेजिमेंट के शीश रामगिल, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। तो यहाँ पर ये चित्र देखिए अजय आहूजा का और ये नायब सूबेदार रामपाल सिंह। इनके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पुनिया को विशिष्ट सेवा पद मिल चुका है। तो ठीक है, नाम आप ध्यान में रखिएगा कि इनको जो है यहाँ पर वीर चक्र जो है वो मिला, किसे शौर्य चक्र मिला और किसे वीर चक्र मिला, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, डेट जो है वो आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले इन योद्धाओं के देशानुराग और साहस को हमें हर पल अपनी स्मृति में रखना चाहिए। कवि प्रदीप ने अपने प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों में इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है। तो हमने स्टार्टिंग में कवि प्रदीप की ही एक जो कविता थी, जो गीत था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ठीक है। तो ये वही कवि प्रदीप हैं, इन्होंने प्रसिद्ध गीत जो ऐ मेरे वतन के लोगों, तो इसको अपने शब्दों में व्यक्त किया, ये रहे कवि प्रदीप, ठीक है। तो इनका जो मूल नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी, इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था। कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और पश्चात अपनी कविताओं और गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। तो ये जो है इनकी कविता है जिसको आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टि से कविता आपसे नहीं पूछी जाएगी। हाँ, ये हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कवि प्रदीप जो हैं इनकी जो मुख्य कविताएँ कौन सी हैं जिसमें इन्होंने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जागृत किया।
तो एग्जाम में केवल यही पूछा जाएगा कि कवि प्रदीप का मूल नाम जो है वह क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर। ठीक है, कविता जो है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में है, यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है और 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। ये सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। यकायक पुलवामा जिले के निकट लैथ पोराल इलाके में एक आत्मघाती हमलावर 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोट कर दिया। ठीक है, जो पुलवामा हमला जिसकी न्यूज़ जो है वो आप लोगों ने सुनी भी होगी 2019 के समय, इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए, करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इसने ली और हमलावर का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ बकास बताया, जो इस हमले में मारा गया। ठीक है, तो इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा के, रोहित आसलामा जयपुर के, जीत राम भरतपुर के, नारायण लाल गुर्जर राजसम्मत के और भागीरथ धौलपुर के, ये शहीद होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पुलवामा हमला, ये आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है नाम आप ध्यान में रखेंगे इनके। अब देखिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन, तो ये बिल्कुल हाल ही की घटना है, ये तो आपको पता ही होगा कि 2019 में जो ये अभिनंदन जो कि कहाँ पर पाकिस्तान में जाकर जो है इनका प्लान जो है वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो इस हमले के 13 दिन बाद 26 फरवरी पुलवामा हमला जो हुआ, तो उसके बाद जो है 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा दिया गया। इसके बचाव में पाकिस्तान ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की वायुसेना के MiG-21 विमानों ने आसमान में ही F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी सीमा में चले गए। ठीक है, तो इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करते हुए एक विमान मार गिराया। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया और जिसके नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर की सीमा में वो फंस गए। पाकिस्तान ने सुरक्षा बलों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने अलग 60 घंटों बाद उन्हें 1 मार 2019 को भारत को सौंप दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने बहुत ही सरलता से सहजता से जो है जो अभिनंदन है कमांडर अभिनंदन इनको छुड़ाया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। सबसे पहला जो है चक्र कौन सा रहा, वीरता चक्र, परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर दी गई। राजस्थान के शहीद, तो यहाँ पर राजस्थान के कौन कौन से व्यक्ति जो है शहीद हुए थे जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, रोहितास लांबा। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के जवान रोहितास लांबा शहीद हुए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के गांव गोविंदपुरा बासड़ी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व शादी और 2 माह पूर्व संतान हुई। नवागंतुक संतान को देखकर वे छुट्टियों से सेवा कार्य पर लौटे थे कि यह हमला हो गया और वो शहीद हो गए। भागीरथ, पुलवामा हमले में शहीद भागीरथ धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के गांव जैतपुर के रहने वाले थे। वे 6 वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित भागीरथ के 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी है। वे भी छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे तब यह हमला हुआ जिसमें वे शहीद हो गए। नारायण लाल गुर्जर,
पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुर्जर राजसमंद जिले के बिनोल गांव के निवासी थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व नारायण लाल ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कश्मीर के विपरीत हालातों में चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने के साहस को रेखांकित किया था। जीत राम गुर्जर तो ये कहाँ के थे? गुर्जर पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील अंतर्गत गांव सुंदखाली के जवान जीतराम गुर्जर जो है ये भी शहीद होते हैं पुलवामा हमले में। जीतराम गुर्जर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 92वीं बटालियन में कार्यरत थे। 28 वर्षीय जीतराम गुर्जर के 1.5 साल और 4 माह की बेटी थी। तो सभी जो है वो कम उम्र के ही हैं। ये सभी पूरे इलाके में उनकी देशभक्ति की चर्चे होते हैं। हेमराज मीणा पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले की सांगोद जहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। ठीक है, तो हेमराज 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। राजस्थान सरकार ने एक ओर जहां पुलवामा में हुए आतंकी हमले को घोर निंदा की और दूसरी ओर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवार को 25 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन, 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट जो है दिए जाने की घोषणा की। इस प्रकार राजस्थान में शौर्य वीरता की एक लंबी परंपरा रही। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के अतिरिक्त राजस्थान के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के लिए भी वीरतापूर्ण संघर्ष किया। अमृता देवी विश्नोई का पर्यावरण रक्षा के लिए बलिदान, अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष, जन आंदोलन इसके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपली से किसने की? तो फटाफट से जो है सोचिए, हमने जो है इसमें आंसर क्या देखा था हमने इस चैप्टर में। तो ऐसे ही जो अभ्यास प्रश्न होते हैं कभी कभार तो यहीं से जो प्रश्न जो है वो आपका एग्जामिनर आपकी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सोचिए कि किसने कहा था। तो यहाँ कर्नल जेम्स टॉट जो है वो ये कहते हैं, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम बताइए। तो यहाँ मैंने आपको मेजर पीरू सिंह शेखावत और जो मेजर शैतान सिंह जो हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ था? तो जो चूनाराम बागड़िया थे उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ये वाला आंसर। और ये आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 5th क्वेश्चन है कि शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नाम लिखिए। तो हमने जो है बहुत सारे नाम शौर्य चक्र विजेता देखे, तो किसी के भी नाम जो है वो आप लिख दीजिएगा इसमें। बाघ सिंह राठौर थे जो ब्रिगेडियर, नरपत सिंह राठौर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 6 है, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये 14 फरवरी 2019 को ये जो हमला होता है। अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो हमने जो हाल ही में ये पढ़ा था कि ये जो है कहाँ पर थे, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे ये अभिनंदन वर्धमान। ठीक है, तो इनको जो 3रा सर्वोच्च सम्मान है वीर चक्र ये मिला था कब? 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। उसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, परमवीर चक्र किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो हमने चैप्टर पढ़ा है, इसमें हमने जाना पीरू सिंह शेखावत इनके बारे में बताइए। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली कि सबसे पहला जो चक्र मिलता है वीरता के लिए कौन सा था? परमवीर चक्र। ठीक है, तो मेजर पीरू सिंह शेखावत जो थे जिनको परमवीर चक्र मिला था, भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई होती है 1947 में उस समय जो है इनको ये मिला था मरणोपरांत। कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको भी आप देखिएगा, तो इनको क्वेश्चन को पढ़ के और इनका आंसर जो है वो देने की कोशिश हमेशा करिए ताकि आपका चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट होता है इससे और आपकी जो है रिवीजन भी हो जाती है। तो चलिए, चैप्टर होता है पूरा
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम 9th क्लास के जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।